आने वाले चुनाव जो 10 तारीख को संपन्न होने हैं, इसके सिलसिले में हम गौतम बुद्ध नगर में इस समय उपस्थित हैं, जहां पर शैलेंद्र बहादुर सिंह जी हैं, जो कि जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं गौतम बुद्ध नगर, और इस टाइम पे उनको नोडल अधिकारी स्वीप मतदान जागरूकता कार्यक्रम है, इसके लिए इनको ये चार्ज दिया गया है। तो हम इनसे कुछ इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस पर क्या इनकी प्लानिंग है और किस तरीके से ये क्या कर रहे हैं। सर, आपका इस पर क्या विचार है और क्या कार्यक्रम है आपका, जरा हमें सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मतदाता जागरूकता अभियान में मीडिया का सहयोग करने के लिए। जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पोलिंग के दिन मतदान प्रतिशत को अधिक से अधिक रखने के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं, जिनमें से हमने मतदाता जागरूकता चौपाल लगाई हैं गाँव में। सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है कि 10 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्रों पर आकर मतदान करें। जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय की तरफ से, जो कि हमारे जिलाधिकारी हैं, उन्होंने मॉडल बूथ बनाए हैं, जहाँ पर कि मतदान करने वालों लोगों को त्यौहार की तरह फीलिंग आए और वो जाकर मतदान केंद्र पर अपना मतदान करें। जो लोग वोटर 18 साल से उम्र के ज़्यादा हैं और पहली बार वोट कर रहे हैं, उनको हम थैंक यू नोट्स भी देंगे। इसके अलावा एक हमारी मतदाता जागरूकता अभियान की बस चल रही है, जो विभिन्न मतदान केंद्रों पर जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, स्लोगन्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मतदान देने के लिए, प्रेरित करने के लिए अपना काम कर रही है। इसके अलावा गांव-गांव में हम लोग चौपाल लगा के बात कर रहे हैं, हम मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, और हमारी टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को मतदान देने के लिए प्रेरित कर रही हैं। सर, ये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, इसके बारे में आप कुछ बताएं। ये भारत निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम है, निर्वाचन प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग जहाँ भी चुनाव कराए जाने होते हैं, जहाँ भी चुनाव हो रहे होते हैं, ये निर्वाचन आयोग का एक इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोगों को अधिक से अधिक मत देने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे कि लोकतंत्र के इस महाउत्सव को अच्छे से सेलिब्रेट किया जा सके। सर, इसके पहले मतदान का प्रतिशत क्या रहा है और आपको इस बार की उम्मीद क्या है कि कितना हो सकता है? ये चर्चा करते हुए थोड़ा सा क्षोभ हो रहा है मुझे कि हम जनपद गौतम बुद्ध नगर में हैं और यहाँ पे जो साक्षरता का स्तर है और जो बाकी सारे पैरामीटर्स हैं, वो बहुत हाई हैं। लेकिन इन हाई पैरामीटर्स के बावजूद इस जनपद में वोटिंग का परसेंटेज 50% से भी कम रहा है। हमारे जिलाधिकारी महोदय का प्रयास है और उनकी इच्छा भी है कि इस साल जनपद गौतम बुद्ध नगर के वोटर्स निकल के बाहर आएं और हम इस मतदान प्रतिशत को 70% से ऊपर ले जा सकें। सर, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि 50% इसके पहले का मतदान का प्रतिशत रहा है और आप 70% की उम्मीद कर रहे हैं, तो 20% की आप बढ़ोतरी चाह रहे हैं, तो इस 50 से 70 के बीच में जो आप बढ़ोतरी चाह रहे हैं, इसके लिए आपने पहले से अब में विशेष क्या किया? एक एक वोटर को हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है। हम पोस्टर्स के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, मतदाता जागरूकता चौपाल के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि इस बार हम इस 70% के टारगेट को अचीव कर सकें। सर, कोविड पेशेंट अगर कोई है तो उसके लिए आपने क्या विशेष व्यवस्था की है? क्योंकि कोविड इस समय बहुत ज़्यादा, इस समय आप सबसे बड़ा मुद्दा है, इस हम समझ सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी करेगा, तो इनके लिए आपके पास क्या क्या आपने व्यवस्था की है? जहाँ तक आप सभी अवगत हैं, कोविड की तीसरी लहर अमूमन उतार की तरफ है और हमारे हर मतदान केंद्र को कोविड एप्रोप्रिएट पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। वहाँ पे हैंड स्कैनर, थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था रहेगी। अगर कोई कोविड का पेशेंट है, उसका टेम्परेचर हाई आता है, तो उसके लिए उसी मतदान केंद्र पर अलग से मतदान करने की व्यवस्था की गई है। इस तरह हम शैलेंद्र जी के साथ